बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 10th क्लास फिजिक्स के एमसीक्यूज के गेस्ट पेपर्स, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के गेस्ट पेपर्स अकॉर्डिंग टू न्यू पेपर स्कीम 2022। 2022 का जो बेटा आपका एग्जाम है 10th क्लास का, उसमें फिजिक्स के जो पेपर में जो एमसीक्यूज आएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज बेटा, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अहम है। पंजाब के जितने बोर्ड्स हैं बेटा, उन तमाम बोर्ड्स के लिए ये वीडियो है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 10, यानी हमारा जो 10th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, फर्स्ट वाला चैप्टर है जिसका नंबर है चैप्टर नंबर 10। ये बेटा इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं, हम उनको देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन में इंतहाई पोजिशन पर वेलोसिटी क्या होती है। तो बेटा इसके तीन आंसर है जो हमारे पास, फर्स्ट वाला ज्यादा से ज्यादा, नंबर 2 कम से कम, नंबर 3 सिफर, और नंबर 4 जो है कभी ज्यादा कभी कम। तो इसका आंसर है बेटा हमारे पास सिफर यानी जीरो। इधर ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन इज जीरो। इसी तरह बेटा ये सेकंड वाला है, फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या है, ये बेटा दिए हुए हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट हर्ट्ज होता है। उसके बाद बेटा ये तीसरा है, चौथा, पांचवा, ये सबके बेटा नीचे आंसर भी दिए हुए हैं, ये आपने देख लेना। ये चैप्टर नंबर 10, जो 10th क्लास फिजिक्स का पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, उसके बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। मैं बेटा नीचे करता जाता हूँ, आप जो है इनको पढ़ते जाएं, पॉज करके भी आप इनका स्क्रीनशॉट लेके भी बेटा इनको याद कर सकते हैं, इनके आंसर भी साथ दिए हुए हैं। ये बेटा 15, 16, ये हर चैप्टर के 30 से 35, 40 तक जो है ना आपके पास एमसीक्यूज हैं, 30-35 एमसीक्यूज हैं हर चैप्टर के, जो आपने बेटा याद कर लेने हैं। इंशाल्लाह पेपर में आपके पूरे 12 out of 12, यानी 12 में से पूरे 12 मार्क्स आ जाएंगे। ये बेटा 27, 28, 29, ये 30, 31, 32, ये बेटा इस चैप्टर के आपके चैप्टर नंबर 10 के जो है टोटल 32 एमसीक्यूज हैं जो आपने सॉल्व करने हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलें, चैप्टर नंबर 11 जो है बेटा हमारा 10th क्लास फिजिक्स का, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो है वो हमारे पास फर्स्ट वाला है, साउंड एनर्जी की कौन सी किस्म है, या विच फॉर्म ऑफ एनर्जी साउंड इज। तो वो बेटा जो साउंड है वो एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी है। तो इसी तरह बेटा आपके पास ये आगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये बेटा आपके पास चैप्टर नंबर जो 11 है, यानी 10th क्लास फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो है, उसके बेटा आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट जो एमसीक्यूज है वो दिए हुए हैं, आपने इनको बेटा जो है वो कर लेना है। ये साथ साथ इनके आंसर भी दिए हुए हैं, आप बेटा वीडियो को पॉज करके या बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लेके साथ साथ इसको याद कर सकते हैं। और जिन बच्चों को इसके बेटा जो है वो पीडीएफ फॉर्म में जो है नोट्स चाहिए वो भी मुझे बेटा बता सकते हैं, मैं उनको भी दे दूंगा। इसके अलावा बेटा 10th क्लास के सारे सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स भी मैंने आप लोगों के साथ इसी चैनल पे शेयर किए हुए हैं, पेपर पेयरिंग स्कीम्स भी शेयर की हुई हैं, डेटशीट, ईच एंड एवरीथिंग बेटा इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। तो आप बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको दूसरी वीडियो भी जो है आसानी से मिल सके। तो ये बेटा आपके पास जो है चैप्टर नंबर 11 के जो है वो 38 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपकी बुक 10th क्लास की फिजिक्स के जो एमसीक्यूज है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 की अगर बात करें, तो इसमें बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर 12 में ये हमारे पास फर्स्ट वाला, रोशनी की रिफ्रैक्शन के दौरान मंदरजा जाल में से कौन सी मकदारें तब्दील नहीं होती, तो बेटा इसकी फ्रिक्वेंसी तब्दील नहीं होती। इसी तरह बेटा आगे ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सो ऑन, आपके पास बेटा ये दूसरे जो है चैप्टर नंबर 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ ये जो है मैं शेयर कर रहा हूँ, इनको आपने अच्छे से जो है तैयार कर लेना, इंशाल्लाह पेपर इन्हीं में से आएगा। ये बेटा 14, 15, 16, 17, इसी तरह आगे ये 18 है, 20, 21, 22, 23, 24, इसी तरह 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, सो ऑन बेटा ये 37 और 38, 39, ये आपके बेटा चैप्टर नंबर 12 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये 39 एमसीक्यूज आपके साथ जो है मैंने शेयर किए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ अगर चले बेटा, चैप्टर नंबर 13 जो है हमारा 10th क्लास फिजिक्स का, इसमें बेटा देखें हमारे पास जो है पहला एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को दफा करता है, ये इसका बेटा जो है आंसर है। इसी तरह दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सो ऑन, आगे आपके पास ये जो है सारे दिए हुए हैं, ये आपने बेटा सारे जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं।
इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो लेस इम्पोर्टेंट हो, सारे आपने कर लेने हैं बेटा। इंशाल्लाह आपका पूरा पेपर इन्हीं में से आएगा। ये बेटा आपके पास 12, 13, 14, 15, आगे ये 16, 17, 18, 19, 20, इसी तरह 21, 2, 3, 4, आगे 5, 6, 7 और ये 28। ये बेटा आपके इस चैप्टर के टोटल 28 जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर बेटा जो आपका चैप्टर नंबर 14 है, वो बेटा उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं, उसमें पहला है EMF का फार्मूला यानी कुलिया क्या है। तो वो बेटा EMF का फार्मूला हमारे पास होता है W/Q, यानी E इज इक्वल टू W/Q। इसी तरह बेटा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ये आगे 12, 13, 14, सो ऑन, ये सारे बेटा आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इस चैप्टर के चैप्टर नंबर 14 के जो MCQs हैं वो दिए हुए हैं। इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। चैप्टर ये जो 7 वाला MCQs है बेटा, 17 वाला सॉरी MCQs है, इसका ये आंसर दिए हुए हैं और ये इसका आंसर है क्वेक वाला। ये बेटा उनके ऊपर टिक किया हुआ है जो आपके आंसर्स हैं। इसी तरह बेटा ये आपके पास नेक्स्ट है 26, 27 है, 28 है, 29 है, 30 है, 31 है, 32, 33, 4, 5 और इसी तरह 36। ये टोटल आपके 36 है बेटा चैप्टर नंबर 14 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है। उसके बाद बेटा 14 के बाद अगर हम चैप्टर नंबर 15 की बात करें, तो चैप्टर नंबर 15 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है, उसमें फर्स्ट वाला MCQs हमारे पास ये है, मैग्नेटिक पोल्स के मुतल्लिक कौन सा बयान दुरुस्त है। ये वाला बेटा ये इसका आंसर है डी वाला, अकेला मैग्नेटिक पोल अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। इसी तरह ये सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, सो ऑन बेटा आपके ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर नंबर 15 के जितने आपके MCQs है वो सारे दिए हुए हैं, आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ये 16 है, 17 है, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 24, 25, 26 है, 27 है, 8 है, 29 है, उसके बाद 30 है, इसी तरह 31 है, 32 है, सो ऑन, 33, 4, 5, ये बेटा आगे आपके पास 36, 7, 38, 39, ये 40 बेटा आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है MCQs हैं इस चैप्टर के। नेक्स्ट अगर हम चैप्टर नंबर 16 की बात करें, तो इसमें बेटा हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं, उसमें फर्स्ट वाला MCQs उसका आंसर डी है, इलेक्ट्रॉन्स वाला। सेकंड वाले का बेटा ये वाला है थर्मोनिक एमिशन, डी वाला आंसर। थर्ड का बेटा बी वाला आंसर है। इसी तरह सो ऑन, आपके पास चैप्टर नंबर 16 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं ये आपके पास दिए हुए हैं। ये बेटा चैप्टर आपका क्योंकि गेट्स वाला है, तो इसमें ज्यादा MCQs भी गेट्स के रिलेटेड ही हैं, आर गेट के, एंड गेट के, नॉट गेट के। ये बेटा आपके पास 18, 19, 20, 21, सो ऑन, ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो MCQs हैं चैप्टर नंबर 16 गेट्स वाले के वो है बेटा। इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगर किसी बच्चे का कोई मसला होता है तो वो मुझसे पूछ सकता है, स्क्रीन पे मेरा नंबर भी है, कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो इसका सेकंड लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17 टेंथ क्लास फिजिक्स का, उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे MCQs हैं वो ये गिवन दिए हुए हैं। ये बेटा कंप्यूटर के रिलेटेड है, इसलिए इसका बेटा जो है ज़्यादातर MCQs कंप्यूटर के रिलेटेड ही हैं। तो इसमें फर्स्ट वाला जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है कंप्यूटर में, वो फालतू डाटा, ये कह रहा है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, फालतू डाटा यानी प्रोसेस डाटा। उसके बाद ये बेटा थोड़ा सा इधर जो है ना, ये वाला जो है प्रोसेस डाटा, इसको असल में उर्दू में भी प्रोसेस डाटा ही कहते हैं, ये फालतू डाटा रॉ डाटा को कहते हैं। तो ये बेटा इसका आंसर प्रोसेस डाटा है, लेकिन ये जो है ना इधर आपके पास उर्दू में अगर होगा तो उसका आंसर ये होगा प्रोसेस डाटा, रॉ डाटा फालतू होता है। उसी तरह बेटा आपके पास सेकंड वाला भी है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सो ऑन, आपके पास जो इस चैप्टर के चैप्टर नंबर 17 के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो MCQs है वो दिए हुए हैं। इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है ताकि आप पेपर में जो है बेटा MCQs वाले पोर्शन में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले सके। ये बेटा 19, 20, 21, 22, इसी तरह सो ऑन, 23 है, 4 है, 25 है, 26 है, 7 है, 8 है, 29 है, ये इसके टोटल बेटा 29 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं चैप्टर नंबर 17 के। अगर हम चैप्टर नंबर 18 जो लास्ट वाला हमारा 10th क्लास फिजिक्स का है, उसके अगर हम मल्टीपल चॉइस यानी MCQs की बात करें, तो ये हमारे पास फर्स्ट वाला MCQs है, ये इसका आंसर दिया हुआ है बी वाला। ये सेकंड वाला है, इसका भी दिया हुआ है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवन है, एट है, नाइन है, टेन है, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, so on बेटा आपके सारे most important जो है इसके MCQs जो है last वाला जो chapter है chapter number 18 10th class physics का उसके ये बेटा आपके सामने नजर आ रहे हैं, इनको आपने अच्छे से prepare कर लेना है ताकि बेटा आप paper में जो है वो अच्छे मार्क्स हासिल कर सके। ये बेटा आपके पास 34, 35 और 36 ये टोटल इस चैप्टर के बेटा 36 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है लास्ट वाले चैप्टर के। तो बेटा ये आपके साथ मैंने जो है 10th क्लास फिजिक्स के मल्टीपल चॉइस यानी MCQs के गैस पेपर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे चैप्टर्स के शेयर किए हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, इंशाल्लाह पेपर में पूरे मार्क्स आएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बेटा आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाली दूसरी वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।